देख रहे हैं टी एस ये लंब रेखा है और ये किस लंब किस पे लंब है क्यू आर पर, क्यू आर पे दिया है इसका मतलब किस त्रिभुज की बात कर रहा है वो पी क्यू आर में बात कर रहा है, क्योंकि अगर वो पी एस आर में बात करता है तो आर एस इसका क्या होता है आधा होता था, तो यहां पे वो बता रहा है कि पी एस लंब है किस भुजा पर क्यू आर पर। और दूसरा एक और देखो लंब खींचा गया है क्यू टी लंब है किस भुजा पर पी आर पर ये दिया गया है। इसके अलावा मान किसके किसके दिए हैं आर क्यू का मान दिया गया है 6, आर से क्यू की दिया गया है मान कितना है 6, पी एस का मान दिया है 6 और पी आर का मान दिया है ये टोटल आपको कितना दिया है 12, पी से आर तक का मान दिया है 12। और हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्यू टी, क्यू टी का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में दो हमें क्या है शीर्ष लंब खींचे हैं, मैंने आपको बताया था एक त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं और उसी शीर्ष लंब के आधार पर उसका जो बेस है वो भी क्या होता है चेंज होता रहता है। तो अगर इसमें दो शीर्ष लंब है तो इसका मतलब दो आधार भी है, तो इसमें से दो ऊंचाइयों में से एक ऊंचाई दी गई लेकिन दूसरी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब अगर आपको दोनों ही ऊंचाइयों में से एक ऊंचाई दी गई दूसरा ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणन लगाना है और त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि एक बार आधार और ऊंचाई दोनों दिया है फिर दूसरी बार ऊंचाई नहीं दिया है और आधार दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सारी जानकारी दिया गया है। सूत्र आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस सूत्र के माध्यम से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पी क्यू आर दिखाई दे रहा है पी क्यू आर मतलब इस त्रिभुज बड़े जो आधी कोण त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट है इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना क्षेत्रफल। अब बोलोगे अनुपात का गुणन क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ अनुपात पूछा है ना अनुपात का मान दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR सूत्र आपको बता दें है सूत्र क्या है एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई ये हमारा सूत्र है। अब इस त्रिभुज PQR का कौन सा आधार है कौन सा ऊंचाई है जैसे मैंने आपको बताया इसमें दो शीर्ष लंब खींचे गए हैं इसका मतलब दो ऊंचाई है और दो आधार है, लेकिन पहले कौन सा आधार यहाँ और कौन सी ऊंचाई यहाँ पर रखना है वो हमें समझना है। तो हमें ना तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल पता है इसलिए हम लोग आधार और ऊंचाई वही दोनों लेंगे जिसका मान हमें प्राप्त हो आधार भी उसके प्राप्त हो और ऊंचाई भी प्राप्त हो। तो हम देखते हैं त्रिभुज अगर हम पी क्यू आर में ऊंचाई पी एस लेते हैं क्योंकि देखो शीर्ष बिंदु पी से एस लंब की जगह यानी पी एस क्या हो गया ऊंचाई और तब उसका आधार क्या होगा क्यू आर, आर एस क्यों नहीं होगा क्योंकि हम बात किस त्रिभुज की कर रहे हैं पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो पी क्यू आर में कौन सी भुजा आ रही है नीचे सिर्फ क्यू आर आ रहा है इसलिए आधार कौन होगा क्यू आर और इसका भी मान दिया है इसका भी मान दिया है इसलिए हम लोग इसको ऊंचाई लेंगे और इसको क्या करेंगे आधार लेंगे और इसका मान नाम धारण के हल करते हैं। तो एक बटे दो आधार कौन है क्यू आर ऊंचाई कौन है पी एस, तो एक बटे दो गुणे क्यू आर का मान कितना दिया गया है 6 और पी एस का मान कितना दिया है 6, तो ये दोनों ये तीनों अंश में इसे आप पूरा करके फिर से दो से भाग दे सकते हैं या दो से पहले इसे विभाजित करके फिर पूरा कर सकते हैं जैसा आप उचित समझे दोनों ही तरीके सही मान्य हैं। तो पहले हम क्या करते हैं इसे दो से छह में भाग दे देते हैं तो दो एकम दो दो के बारे में छह कितनी बार आता है तीन, अब बचा क्या एक गुणे तीन गुणे छह बटे में हर में एक है हर में हमेशा कोई भी संख्या अगर नहीं रहती तो आप जानते हैं एक रहता है हम लोग उसको जरूरत पड़ने पे लिखते हैं और नहीं पड़ने पे उसको हटा देते हैं। तो तीन एकम तीन तीन छह
जैसे मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग, और सेमी कुछ नहीं दिखाया तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। ये हमारा एक टारगेट पूरा हो गया है कि हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लिया है ज्ञात कर लिया है। परंतु आप बोलोगे हमें क्यूटी का मान ज्ञात करना है। यस, हमें क्यूटी का मान ज्ञात करना है, तो बिना क्षेत्रफल ज्ञात किए हुए हम यहाँ पे क्यूटी का मान नहीं ज्ञात कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया उसे दो स्टेप में किया। पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए है, अब आपको फिर से इसका सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया इसमें दो आधार है और दो ऊंचाई है, आप किसी को भी आधार और ऊंचाई कर लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान बदलने वाला नहीं, जो त्रिभुज आपको ये त्रिभुज में जितना जगह घेरा है उतना ही घेरा है, चाहे इसको ऊंचाई लो और इसको आधार लो और चाहे इसको ऊंचाई लो और इसको आधार लो, उसका क्षेत्रफल बदलने वाला नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे इसी क्षेत्रफल के माध्यम से इस ऊंचाई क्यूटी का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का गुणा लगाने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 गुणे, इस बार आधार किसको लेते हैं, अगर मेरी ऊंचाई क्यूटी है तो आधार कौन हो गया PR, यहां पे क्या आ जाएगा PR और ऊंचाई क्या आ जाएगी क्यूटी। अब हम लोग देखते हैं मान किसका पता है हमें, PQR का क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 18, इसलिए यहां पे 18 लिखा जाएगा इक्वल टू 1/2 इनटू PR का मान दिया गया है 12 और क्यूटी का मान आपको नहीं दिया है, इसलिए उसको वैसे उतार दिया जाएगा। अब देखिए दो की पहाड़ी में 12 आता है, 18 दिया था लेकिन 18 आपको कहां पर है बाएं पक्ष में, पक्ष अलग है, ये दाएं पक्ष में और ये बाएं पक्ष में, तो 2 से 18 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जब हम 2 का पश्चातर करेंगे तो ये यहां पे आके गुणे में हो जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ये 12 तो आपको दाएं पक्ष में है इसलिए 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं 12 को भाग दे सकते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 छम 12, अब बचा क्या 18 बराबर 1 × 6 × QT, 18 बराबर 6 × QT, मुझे QT का मान ज्ञात करना है यानी कि 6 को पश्चांतर करना है, पश्चांतर करते समय आपको नियम है अगर वह QT के साथ प्लस में होता तो वहां जाता माइनस हो जाता, अगर ये आपको माइनस में होता वहां जाता क्या हो जाता प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे 6 क्या है गुणे में है, QT के साथ हुआ क्या है उसका गुणज है, गुणज का उल्टा क्या होता है भाग, जब बस बदलता है यहाँ 18 गुणे वाली संख्या यहाँ जाएगी क्या हो जाएगी बटे में चली जाएगी और यहाँ क्या क्या बचेगा क्योंकि अब 6 के पहाड़े में 18 आता है कितनी बार में आता है 3 बार में, 6 × 6 = 12 × 6 = 18, तो 6 × 6 = 18 3, इस तरह से हमारा आंसर आ गया है जो ज्ञात करना था क्योंकि का मान कितना है 3 इकाई। ओके, आप इसे नोट डाउन कर दीजिए और एक एक सवाल को आपको मैंने जैसे बताया कि आप ध्यान पूर्वक समझिए और करने का प्रयास करिए, जहाँ भी कोई डाउट है वहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैंने आपको अपना नंबर दिया है जिसके पास नहीं हो फिर से लिख लीजिए। इस नंबर पे आप संपर्क करके उससे उसके बारे में सवाल से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं।